हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फील लाइव विद रेनू। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं कच्चे आलू का बहुत ही क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। बट रेसिपी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी करें। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो कच्चा आलू लिया है, ये बड़े साइज का आलू लिया है मैंने। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बन जाता है फ्रेंड्स, ना आलू बॉईल करने का झंझट ना मैश करने का। तो दोनों आलू को मैंने छील लिया है, अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कट कर लूँगी। तो बारिश के मौसम में तो दाल पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, कद्दू का पकौड़ा, बैंगन भाजा बहुत खाया होगा। एक बार इस तरीके से कच्चे आलू का क्रिस्पी क्रंची फूली फूली पकौड़ी बनाएं, बनाना बहुत आसान है, कम सामान में बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने दोनों आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। तो आलू को मैंने वॉश कर लिया है और यहाँ पर एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें डाल दिया है कटा हुआ आलू, साथ में डाल रही हूँ चार हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक लिया है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कट करके डाल देती हूँ, और साथ में डाला है एक दो चम्मच के करीब पानी। और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, एकदम महीन बारीक पेस्ट रेडी करना है, चेक कर लें क्योंकि इसमें छोटे छोटे गुठली जैसा रह जाता है। तो अब मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक कटोरी बची हुई चावल लिया है, भात लिया है, इसको भी सेम जार में डाल करके ग्राइंड कर लूंगी। ग्राइंड करने के लिए पानी का यूज मैंने नहीं किया है, अगर लगेगा तो एक दो चम्मच के करीब पानी ऐड करूंगी, क्योंकि ये नाश्ता बनाने के लिए घोल हमें ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। आप चाहें तो कच्चा चावल को भी 2 से 3 घंटे के लिए सोख करके उसके बाद ग्राइंड करके यूज कर सकते हैं कच्चे आलू के साथ, तब भी नाश्ता अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने भात को ग्राइंड कर लिया है और आलू वाले पेस्ट में ऐड कर दिया है, उसके बाद विस्कर की हेल्प से इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए इस तरह से विस्क करूँगी, जैसे पकौड़ी के लिए रेडी करते हैं फ्रेंड्स कढ़ी पकौड़ी के लिए, वैसे ही हमें इसे विस्क करना है। ये फ्लफी हो जाएगा, इसमें ना इनो ना सोडा डालने की ज़रूरत है, तब भी ये फूला फूला क्रिस्पी क्रंची पकौड़ी बनता है। तो 2 मिनट तक विश किया है, उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जीरा, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाला है क्योंकि मैंने इसमें ग्रीन चिली ऑलरेडी ग्राइंड किया हुआ है, कट किया हुआ धनिया पत्ता डाला है। इसमें ज़्यादा मसाला की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, कम मसालों में ही ये बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। तो सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने पैन में सरसों तेल चढ़ाया है, मैं पकौड़ी सरसों तेल में बना रही हूँ, इससे टेस्ट इसका और अच्छा आता है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो फ्लेम को मीडियम रखना है, बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर लेके ऑयल में डालते जाना है, जैसे पकौड़ी रेडी करते हैं। ये देखिए, अपने आप तुरंत फूलने लगेगा, एक दूसरे से चिपकेगा भी नहीं। तो ये देखिए, एक बार में मैंने इतना डाल दिया है, बस इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई होने देना है, जब तक कि चारों तरफ से गोल्डन कलर ना आ जाए। तो इसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, अच्छा कलर आ गया है, तो इसको अब चारों तरफ से इस तरह से फ्लिप कर दूंगी। थोड़ा सा और इसका कलर चेंज होगा तब मैं इसको निकाल लूंगी। ये छोटी छोटी गोल गोल फूली फूली क्रिस्पी पकौड़ियाँ खाने में एकदम मकेन जैसा लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें आलू का यूज हुआ है और ऊपर से क्रिस्पी क्रंची क्योंकि चावल इसमें ऐड है। तो ये देखिए, कलर परफेक्ट आ गया है। तो चलिए इसको फटाफट से निकाल लेते हैं और जो बाकी का बचा हुआ बैटर है सेम प्रोसेस से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही करें। तो जब कभी भी चावल बचे फ्रेंड्स, तो बस कच्चे आलू के साथ चावल को ग्राइंड करिए, फटाफट से गोल गोल फूली फूली क्रंची पकौड़ी रेडी कर लीजिए, एकदम मकेन वाला टेस्ट आएगा। चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ यम्मी लगता है, या फिर आप इसे हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट।
ये देखिए सारा हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है। तो ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ, एकदम क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है। ये देखिए ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो फिर मैं मिलूंगी फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।